अब जो हमने इतना बड़ा चैप्टर किया था गुडविल के लिए अलग से, कभी कभी हो सकता है वो भी काम आ जाए, या हो सकता है गुडविल की वैल्यू वो डायरेक्टली दे दें, तो वो चैप्टर तो जीरो हो गया ना फिर। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल चेंज नहीं होती, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल करने के लिए आपको ये देखना है कि गुडविल की वैल्यू गिवन है कि नहीं गिवन है। गिवन है तो बहुत खुशी की बात है, डायरेक्टली चेंज इन पीएसआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बट हो सकता है कि कभी कभी गुडविल की वैल्यू भी आपको ही कैलकुलेट करनी पड़े। गिरीश मनीष एंड हरीश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, तो ओल्ड रेशियो क्या हो गया इक्वल। बिकॉज ऑफ इंक्रीज बिजनेस एंड मनीष डिवोटिंग मोर टाइम ही डिमांडेड दैट हिज शेयर शुड बी इंक्रीज। न्यू रेशियो इज 1:2:1, मनीष बीच वाला पार्टनर है, मनीष का शेयर बढ़ रहा है बाकियों का। सर 1:1:1 था, बाकियों का तो वही है, तो बाकियों का कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओल्ड रेशियो था 1:1:1, अब हो गया 1:2:1, तो आपका तो बढ़ गया। इनका कम हुआ कि नहीं हुआ, पहले भी 1 था अभी भी 1 है, इनका कम हुआ कि नहीं हुआ नालायक। इनका पहले था 1/3, अब हो जाएगा 1/4, आपका बढ़ गया इनका कम नहीं हुआ, तो ये कैसे चमत्कार हो सकता है। टोटल गेन विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल सैक्रिफाइस। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years वर 1, 2, 3, 4, 5, वो 5 साल की एवरेज है, उससे गुडविल आ जाएगी। आती है ना गुडविल कैलकुलेट करनी, तो पहले तो आप वर्क नोट में पहला तो ये हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 years। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट्स 5 साल की एवरेज कर लेंगे अपने आप कैलकुलेट, प्लीज इस पे तो टाइम वेस्ट ना करें। 480 प्लस 4 लाख 880 प्लस 733 माइनस 33, लॉस का ध्यान रखेंगे माइनस हो जाएगा, प्लस 220, तो टोटल आया 18 लाख। 5 साल है तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 5, नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2 थे तो 18 डिवाइडेड बाय 5, 360 into 2, गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 7,20,000। कुछ नया बताया मैंने आपको नहीं। सेकंड ट्रीटमेंट फॉर गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ध्यान से देखेंगे, ओल्ड रेशियो क्या नाम है, गिरीश मनीष हरीश, पूरा नाम लिखेंगे गिरीश मनीष हरीश। ओल्ड रेशियो इज 1:1:1 इक्वल पार्टनर्स। न्यू रेशियो इज 1:2:1, चेंज हुआ इनका रेशियो। कैसे चेंज हुआ है, पहले 1/3 था, अब टोटल 4 हो गए हैं, 4 हिस्से हो गए हैं, तो 1/4, 2/4, 1/4 चेंज हुआ है रेशियो। तो क्या निकालेंगे हम, सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गिरीश ओल्ड रेशियो क्या था 1/3, न्यू रेशियो क्या है 1/4, 4 3s are 12, 4 minus 3 1/12। दूसरा कौन है, मनीष, ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 2/4, 4 3s are 12, 4 minus 6 minus 2/12। तो ये क्या है, सैक्रिफाइस निकाल रहे थे, सैक्रिफाइस अगर नेगेटिव आ जाए मतलब पार्टनर गेन कर रहा है, और तीसरा पार्टनर कौन है हरीश, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 4 3s are 12, 4 minus 3 1/12, तो ये भी सैक्रिफाइस, ये भी सैक्रिफाइस, और ये गेन। तो ये तो रेशियो निकाला शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, तो ये हो जाएगा आपके लिए वर्किंग नोट नंबर 3। तो गिरीश का कितना शेयर हो जाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म 720 निकाला था, 720 का 1/12,
112 क्या हो जाएगा, 60,000। दूसरा कौन है, मनीष, 720, 2 by 12, 120,000। और तीसरा कौन है, हरीश, 720 का 112, 60,000। जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको मिलेगी, जो पार्टनर गेन कर रहा है वो देगा, तो जो देगा उसको डेबिट करेंगे, जिसको मिलेगी उसको उसकी कैपिटल में ऐड कर रहे हैं, उसकी कैपिटल उतने से बढ़ गई क्रेडिट। तो एंट्री क्या हुई, एंट्री हुई मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गिरीश एंड हरीश, गिरीश कैपिटल अकाउंट टू हरीश कैपिटल अकाउंट। कितने हैं मनीष, 120। कौन देगा, गिरीश एंड हरीश मिलजुल के। कोई भी डाउट, इजी है बेटा, बट इंटररिलेटेड है, इंटररिलेटेड है, ध्यान से करना।